नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके, और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। तारीख है 19 अक्टूबर 2021 और यहां पे 20 अक्टूबर 2021 यानी कि बुधवार के लिए 3 स्टॉक्स इंट्राडे के लिए सेलेक्ट कर लिया। उसके लेवल बताने से पहले डिस्क्लेमर ध्यान से सुने, कोई भी पर्सनल बाइंग या सेलिंग की सलाह यहाँ पे नहीं है। ट्रेड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर करें, आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की नहीं होगी। शुरुआत करता हूँ 20 अक्टूबर 2021 के लिए। सबसे पहला स्टॉक जो है वो है आपके सामने में JSW स्टील। सिलेक्शन रीजन पहले समझ लेते हैं ना, उसके बाद सिलेक्शन रीजन क्या है कि 700 इसका एक प्राइस है। प्राइस एक्शन की बात करें तो 700 एक इसका प्राइस है, जिस प्राइस के नीचे ये ऊपर पहले गया था तो मजबूत हो गया था, आज उस प्राइस के नीचे आके क्लोज कर गया। तो पहली बात तो ये कमजोरी दिखा रहा है, दूसरी बात ये जो हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया था पहले, उसको ब्रेक करके ऊपर गया था, उसी एरिया के पास दोबारा आके ट्रेड कर रहा है या क्लोज कर रहा है, तो ये भी एक गड़बड़ बात है। तीसरी बात है कि ये जो हमारा ट्रेंड लाइन यहाँ से ब्लू कलर की आई है, इस ट्रेंड लाइन के बिल्कुल पास में ये आने की कोशिश कर रहा है, तो ये सारी चीज थोड़ी नेगेटिविटी इसमें बढ़ा रहा है। तो दो चांसेस हो सकते हैं, या तो इसको तोड़ के ये नीचे गिर जाए या फिर यहीं से ये बाउंस करके ऊपर चला जाए, दोनों तरफ के ट्रेड बनेंगे। तो JSW स्टील अगर 696 रुपए के ऊपर निकलेगा तो बाय करेंगे, बाय 696 पहला टारगेट, 700 रुपए का दूसरा टारगेट, 705 705 और तीसरा 710 710 रुपए का स्टॉप लॉस लेके चलेंगे 692 का। नीचे अगर ये ब्रेक करता है 688 को तो सेल करेंगे, सेल बिलो 688 पहला टारगेट, 684 684 दूसरा टारगेट, 680 680 और तीसरा 676 676 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा 692 रुपए 692 का। शुरू के 5 मिनट बिल्कुल भी आपको ट्रेड को अवॉइड करके चलना है, उसके बाद स्टॉक बाइंग या सेलिंग को एग्जीक्यूट करें तो ही ट्रेड करें, अदरवाइज उस ट्रेड को आप अवॉइड करके चल सकते हैं दोस्तों। JSW स्टील नजर रखें। बढ़ूंगा सेकेंड स्टॉक की तरफ जिसका नाम है अरविंदो फार्मा। इसका भी आप समझिए, अगर आप मेरा निफ्टी आईटी और मेटल वाला वीडियो फॉलो करते हैं जिसमें मैं फार्मा के बारे में बताता हूँ, तो यहाँ पे मैंने इसके बारे में बोला है कि जो हमारे ये जो ट्रेन लाइन के पास में देखिए रेजिस्टेंस था, यहाँ से गिर गया, उस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर जाने की कोशिश किया, सस्टेन नहीं किया, लेकिन यहाँ पे ब्रेक किया और वापस से घूम के उसी को रिटेस्ट करने आ गया, यानी ये रिटेस्टिंग कर रहा है। अगर इसको गिर के नीचे जाना तो वो खत्म हो जाएगा, अदरवाइज यहाँ से बाउंस करेगा, रिटेस्ट करके ऊपर जा सकता है। तो हम जे अरविंदो फार्मा को खरीदने की कोशिश करेंगे 716 रुपए के ऊपर, बाय 716 पहला टारगेट हो जाएगा, 721 रुपए का, 721 का दूसरा टारगेट हो जाएगा, 726 726 और तीसरा टारगेट 731 731 रुपए का स्टॉप, 711 711 का रहेगा। नीचे अगर ये ब्रेक करता है 709 रुपए को तो सेल करेंगे, सेल बिलो 709 709 रुपए के नीचे बेच देंगे, पहला टारगेट हो जाएगा इस कंडीशन में 704 रुपए का, 704 दूसरा टारगेट होगा 699 699 और तीसरा 694 694 रुपए का स्टॉप, 714 714 का रहेगा। दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किया, गूगल प्ले स्टोर डाउनलोड कर लें, गूगल प्ले पे एंड्रॉइड वर्जन, जहाँ पे लाइव मार्केट में इंटरडे कॉल और साथ ही एंड ऑफ डे मार्केट बंद होने के बाद और लाइव मार्केट में बहुत सारी रिसर्च एनालिसिस की चीजें आपको मिलती रहती है, चार्ट एनालिसिस मिलता रहता है, बहुत सारे मार्केट रिलेटेड खबरें मिलती है, न्यूज रिलेटेड खबरें मिलती है, आईपीओ रिलेटेड बहुत सारी चीजें आपको मिलती रहती है। तो ये सारी चीजें पाने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले से, साथ ही टेलीग्राम चैनल पर भी मिलते हैं सारी चीज, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी अवेलेबल है। बढ़ूंगा तीसरा और अंतिम स्टॉक जिसका नाम है LIC हाउसिंग फाइनेंस। देखिए LIC हाउसिंग फाइनेंस ये डेली के टाइम फ्रेम पे है ना, ये डेली के टाइम फ्रेम पे एक प्राइस चैनल है, ये समझिए कि पहले इसके ऊपर जगह बड़ा था, इस बड़ा जगह में ये ट्रेड करता करते 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 अब इसको छोटा हो गया, तो इसको क्या कहते हैं फॉलिंग वेज बोलते हैं ना, तो ये छोटा सा जगह हो गया फॉलिंग मतलब होता है गिरता हुआ वेज होता है, ये होता है राइजिंग वेज, इसको ऐसे समझिए ये राइज ये ऊपर की साइड में जा रहा है, ठीक है, ये ट्रायंगल भी नहीं बोल सकते, इसको ट्रायंगल भी नहीं बोला जाएगा, यहाँ पर बड़ा स्पेस था अब इसके पास स्पेस हो गया कम, तो अगर नीचे ब्रेक करेगा तो तेज से गिरेगा, अदरवाइज यहाँ से ऊपर की साइड में फिर भागेगा। तो हम LIC हाउसिंग फाइनेंस को खरीदेंगे ऊपर में 446 रुपए के ऊपर, बाय अब 446 पहला टारगेट हो जाएगा 449 449 रुपए का, दूसरा टारगेट 452 452 रुपए का, तीसरा टारगेट 455 455 रुपए का स्टॉप लॉस 443 यानी 443 का रहेगा। अगर ये नीचे ब्रेक करता है 439 को तो सेल करेंगे, सेल बिलो 439 पहला टारगेट हो जाएगा 436 436 रुपए का, दूसरा टारगेट 433 433 रुपए का और तीसरा टारगेट हो जाएगा 430 यानी 430 रुपए का स्टॉप लॉस लेके चलेंगे 442 रुपए 442 का। दोस्तों बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करने की गलती कभी ना करें, और फर्स्ट टारगेट के पास अगर स्टॉक पहुंचे तो जरूर 50 70% क्वांटिटी बुक कीजिए,
बाकी काफी स्टॉक करके चल सकते हैं। तो मिलूंगा आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।